ये है नमग्याल उर्फ नमी लद्दा की। लद्दाख घूमना है? ठीक है सर, मैं घुमा दूंगी। ना ना, बस टिकट करके बस आ जाने लद्दाख में, बाकी मैं संभालूंगी सर। ये है साक्षी, ये हूं मैं प्रशांत उर्फ चीकू। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हमारे गाइड हैं जो नमग्याल, वो हमें लेके जा रहे हैं टुकचू होमस्टे। ये होमस्टे बहुत ही पुराना है और यहाँ की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आज हमें सिर्फ यहाँ रेस्ट ही करना है ताकि हमारी बॉडी यहाँ के ऑक्सीजन लेवल से सूट हो जाए। यहाँ आते ही हमें हॉट ड्रिंक्स मिली, उससे काफी राहत मिली। यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, तो अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे नेट यूज कर सकते हैं। गाइड एंड होम स्टे की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह। तो भाई, सबसे पहले आज सेकंड डे है और हम आए हैं हॉल ऑफ फेम में। यहाँ पे व्यूज तो बहुत अच्छे हैं और ठंड बहुत है भाई, तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो भाई सब कुछ ठंड का लेके आना। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, तो बहुत बर्फ है और बहुत ठंड है। तो चलते हैं सबसे पहले अंदर और अंदर का व्यू एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ओनली कार्ड पेमेंट ही एक्सेप्ट होगा। अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो जरूर विजिट करना इस जगह को। मैं पूरा यहाँ पे कवर अप नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप यहाँ पे आएं और एंजॉय करें। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, अब हम निकलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अभी मैं खड़ा हूँ NH1 पे, जो कि है लेह कारगिल हाईवे रोड। तो ये लेह को सीधा कारगिल से जोड़ता है और यहाँ का जो व्यू पॉइंट है, ये बहुत ही शानदार व्यू है। यहाँ पे ये व्यू आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी जस्ट स्नोफॉल हुआ है और बहुत ही बर्फ है यहाँ पे। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे ऊपर से राक्षस ने एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की ओर फेंका, जहाँ पे गुरु जी जो है वो यहाँ पे साधना में बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो पत्थर गुरु जी को टकराया, वो पत्थर बिल्कुल गुरु जी के शेप में बन गया।
तो चलते हैं अंदर से एक्सप्लोर करते हैं गुरुद्वारा, और यहाँ पे लंगर भी लगता है तो हम खाना यहीं खाने वाले हैं। यहाँ पे चाय कॉफी भी मिल जाती है और यहाँ का पूरा काम इंडियन आर्मी ही करती है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल। तो अभी हम गाड़ी इस येलो लाइन पे लाके बंद करेंगे। अभी दिख रहा है कि गाड़ी रोड पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने ड्रोन भी ट्राई करा बट यहाँ पे ड्रोन उड़ नहीं पाया। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है संगम व्यू पॉइंट। तो बड़ा ही लंबा सफर तय करके हम लोग पहुंच गए संगम व्यू पॉइंट। यहाँ पे दो रिवर आके मिलती है। जो सामने की ओर आप देख रहे हैं ये है झंस्कार रिवर, और जो अभी आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है इंडस रिवर। यहीं पे नीचे यहाँ पे रोड दिख रही है आपको, वो बिल्कुल नीचे बस वहीं पे हमको जाना है। निकलते हैं आगे बिना देर करे, चलते हैं फटाफट से और एक्सप्लोर करते हैं लद्दाख। हम आ गए हैं यहाँ पे नीचे, और ये जस्ट पीछे संगम पॉइंट है जो कि मैंने बताया था दो नदियों का जो मिलन है, दोनों नदियाँ यहाँ पर के मिलती है। और बस चलते हैं वहाँ पे आगे नदी के यहाँ पे और व्यू को एंजॉय करते हैं। सामने की ओर जहाँ से झंस्कार रिवर आ रही है वहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं लेह पैलेस, जो कि इसके आसपास पूरे एरिया का सबसे बड़ा किला है। तो अभी हम लेह पैलेस के लेवल 8th पे हैं और ये इसका टॉप व्यू है। तो गाइस मैं बना रही हूँ वन प्लस में डुअल व्यू वीडियो, जिसमें मेरे फ्रंट में है स्नो माउंटेन्स और मेरे बैक में लेह पैलेस जो कि किसी डेजर्ट जैसा लग रहा है। तो ब्यूटीफुल है ये सीन। अब मैं स्नो में आ गई और पीछे डेजर्ट आ गया है। लेह पैलेस में वीडियो एंड फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो मैं वो कवर अप नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम निकलते हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है शांति स्तूपा। ये 7 AM to 8 PM तक खुला रहता है। तो यहाँ पे इतनी शांति है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा भाई। और तो चलिए चलते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ थोड़ा जरूर ध्यान रखना कि थोड़ा आराम आराम से चलें, ज़्यादा दौड़ा भागी ना करें वरना सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी। ये हम ऊपर आ गए यहाँ पे शांति स्तूपा पे, थोड़ा और आगे जाना है और ये साक्षी आगे खड़ी है, वेलकम कर रही है। मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा सांस चल रही है। इसको यहाँ मुझे आ रहे हैं भाई। यहाँ पे ये शांति स्तूपा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पास में जाता हूँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज हमें घूमना है। बहुत ज्यादा बर्फ है, चलने की बहुत तकलीफ हो रही है। चलते हैं ऊपर की ओर।
शाम हो चुकी है और अब टाइम है होमस्टे जाने का। सुबह हमें जल्दी निकलना है, तो आप भी रेडी रहिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, आज हमारा थर्ड डे है और हम लोग निकलने वाले हैं नुब्रा वैली। तो हम लोग खरडुंगला होते हुए जाएंगे नुब्रा वैली। तो सबसे पहले निकलते हैं खरडुंगला के लिए, और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो हम लोग थोड़ा लेट निकल रहे हैं। अप्रॉक्स 10 बज रही है, तो देखते हैं क्या रहता है रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा दूर जाते ही हम पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे, हमारा रास्ता रुक गया। यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पे हैं, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा ये वाइड करने के लिए थोड़ा कर रहे हैं, रास्ता बंद है। तो अभी यहाँ पे रास्ता खुलेगा, उसके बाद में शायद हम निकलेंगे। फाइनली अब हम 30 मिनट्स के होल्ड के बाद निकले हैं। तो यार अभी आगे आके थोड़ा और होल्ड हुआ है, क्योंकि आगे रास्ते पे और काम चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो वहीं हमको जाना है। तो देखते हैं, वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा होगा यार। तो गाइस अभी आगे आके रुके हैं, और यहाँ पे सारे टायरों में चेन लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से चेन लगेगी टायरों में। तो यार यहाँ के लोगों में मैंने एक बात नोटिस करी है, ये लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चलते हैं, चाहे कोई कितना भी बिजी हो। तो जब तक ये काम पूरा होता है, मैं निकला हूँ वॉशरूम ढूंढने। यह बहुत बर्फ है, बर्फ में वॉशरूम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ रही है। पूरे शूज मेरे बर्फ में भरा गए हैं, इतनी ऊंची ऊंची बर्फ है। ये मेरा जूता और ये बर्फ, तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके मैं पहुंचा हूँ वॉशरूम के पास में। आ तो मैं गया, मैं वहां से आया हूँ, वहां से उधर तो स्लिप होता होता इधर आया हूँ। वो सामने की तरफ वो साक्षी है, वो कोशिश कर रही है आने के लिए बर्फ में से। देखो सही से आ जाए बस। पूरे शूज उसके बर्फ में अंदर दब गए। ओ शिट, पूरा पैर उसका अंदर बर्फ में चला गया है। यहाँ से देखो, वो देखो, वो वहाँ पे बर्फ निकल रहा है रोड पे से, और ऊपर स्नोफॉल हो रही है। हमें वहाँ ऊपर जाना है जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो यार हमारी पूरी ट्रैकिंग हो चुकी है, यहाँ पे किसी ने हमको गलत रास्ता बता दिया। हम बर्फ में दब दब के जा रहे थे, अभी आर्मी के कुछ लोगों ने हमको रास्ता सही बताया। तो जब तक ऊपर रोड पे बर्फ साफ नहीं हो जाती, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हमने सोचा बर्फ में ही एंजॉय कर लें। जल्दी ही वहां से निकल के हम आगे बढ़े, और हम आ पहुंचे बर्फ के रेगिस्तान में। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, वहां पे सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। तो दोस्तों, वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज खरडुंगला। और इतना ठंडा है ना यहाँ पे,
दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। अब हमें नुब्रा वैली जाने के लिए वापस नीचे की ओर उतरना है और देखते ही देखते ये बर्फ की चादर एक सूखे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई। और धीरे धीरे ये सड़क भी कच्चे रास्ते में बदल गई। पूरा दिन ट्रेवल करके हम पहुंच तो गए नुब्रा वैली, बट हमें क्या पता था कि यहाँ पे रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं होती है। यहाँ पे वॉशरूम के लिए भी बाल्टी में पानी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सारी लाइनें बर्फ से जाम है। तो जैसे तैसे हमने यहाँ पे रात बिताई और सुबह होते ही हम निकल गए पेंगोंग लेक के लिए। ये नुब्रा वैली में सैंड्यून्स है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पे कैमल राइडिंग होती है बट अभी फिलहाल के लिए बंद है। हम कुछ ही दूर चले थे और वो पक्की सड़क एक कच्चे रास्ते में कन्वर्ट हो गई। तो अभी हम लोग पेंगोंग जा रहे थे और रास्ते में ये देखिए यहाँ पे टायर फट गया है गाड़ी का और ये पूरी गाड़ी ऑफ रोड हो गई है, वो पूरी साइड में जाके लटक गई है। यहाँ पे लद्दाख में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है हमारा, यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए रुका है। एंड फाइनली फिर आया ये पूरा पथरीला रास्ता जिसने हमें पूरा हिला डाला। बड़ा ही लंबा ट्रैवल करने के बाद अब हमें मिली है प्लेन रोड जो कि हाल ही में बनी। ये एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे बहुत ऊपर से इंडियन आर्मी का टैंक नीचे गिर गया था। ये 2021 फरवरी की बात है जब टैंक में मैकेनिकल फेलियर होने के कारण ब्रेक फेल हो गए थे और विक्रम सिंह ने अपनी जान का सेक्रीफाइस करके वो टैंक को हाईएस्ट लेवल ऑफ करेज दिखाते हुए वो टैंक के साथ बलिदान दिया। इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद अब हमें लगी है भूख, तो हम रुके हैं खाना खाने के लिए। कुछ ही दूर चलने के बाद फिर से हमें सड़कों पे बर्फ दिखने लगी और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए पेंगोंग लेक। तो यहाँ पे बहुत ठंड है और पूरा पैक हुआ हुआ हूँ मैं, सब कुछ पहन रखा है, उसके बाद भी इतनी ठंड लग रही है और ये पूरा लेक बर्फ है। ओ माय गॉड, ये जो नजारा है ना, सच में पूरे लेक पे हमें, पूरे लेक पे। तो अगर आप यहाँ विंटर्स में आते हो तो ये आपको पूरा बर्फ से ढका हुआ मिलेगा और जो यहाँ पे सीनिक ब्यूटी आपको मिलेगी देखने के लिए वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल पाएगी। ये जो लेक है ये सिर्फ 30% इंडिया में है और 70% चाइना के अंदर है। यहाँ पे 30% आगे जाके इंडिया बॉर्डर है और उसके आगे चाइना शुरू हो जाता है। This is scary. पिघल रही है। तो यार यहाँ पे ठंड बहुत है और ऑक्सीजन लेवल भी काफी डाउन है, तो सांस
यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में चढ़ती रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत धीरे धीरे कदम लेने होते हैं, थोड़ा भी अगर आप तेज चलोगे तो यहाँ पे आपकी सांस फूलने लग जाएगी। तो अभी अभी जो ये मौसम हो रहा है, अभी दिन की 2 बज रही है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी ना तो धूप है ना सूरज है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ बादल है, सिर्फ और सिर्फ बादल है यहाँ पे। और पीछे की साइड में आप देखोगे तो वहां पे स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, और वो शायद धीरे धीरे शायद इधर आएगा, तो यहाँ भी स्नोफॉल होने वाला है। तो उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाएगी और हम यहीं फंस जाएंगे। जितने भी होम स्टेज आप पीछे देख रहे हैं ये फिलहाल के लिए बंद है, ये सारे होम स्टेज सिर्फ समर में ही चलते हैं। पूरा लेक बर्फ जमा हुआ है और चीकू पत्थर फेंक के देख रहे, बर्फ ही नहीं टूटी। ओह माय गॉड। तो फाइनली अब हम निकले हैं यहाँ से और हम चंगला पास होते हुए पहुंचेंगे ले। अभी हम फिलहाल चंगला रिवर के पास से होते हुए जा रहे हैं, जो राइट साइड में पूरी बर्फ जमी हुई है वो पूरी चंगला रिवर है। तो फाइनली हमें फिर से यहाँ पे गाड़ी में चेन लगानी पड़ी है, तो अभी चेन लगा रहे हैं कार में, चेन फिटिंग आती है टायर पे, तो फिर उसके बाद वापस आगे बढ़ेंगे। और यहाँ इतनी ठंड है कि इतना धुआं निकल रहा है उनसे। तो चेन फिटिंग करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। आगे एक ऑयल का टैंकर ऑफ रोड हुआ है, तो जब तक सब मिलके उस टैंकर को निकाल नहीं देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम अभी भी ले नहीं पहुंचे हैं, अभी हम रास्ते काटते हैं, पिछले 3 घंटे से हम रास्ते काटते हैं और बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं अब ये रास्ता खुलने वाला है, कब हम आगे जाने वाले हैं। इतना हेडेक हो रहा है, इतना सफोकेशन हो रहा है ना यहाँ पे, बस ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ। देखते हैं कब तक यहाँ से फ्री होते हैं, फिर निकलते हैं। तो फाइनली अब जाके हम पहुंचे हैं ले, और वो रास्ते में वहां पे तो खाने का कुछ था और ना पीने का कुछ, तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स और गर्म पानी की बोतल लेके चले थे साथ में, तो हमारे लिए बेटर रहा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे गर्म पानी लगातार पीना पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन लेवल थोड़ा मेंटेन में रहेगा, और ड्राई फ्रूट्स हमने लिए ताकि भूख लगे तो हम खा लें, क्योंकि वहाँ रास्ते में कुछ भी नहीं था। तो बस अब फाइनली हम पहुँचे हैं और बस मैं चलता हूँ सोने, और मिलते हैं कल सुबह। ओके, गुड नाइट। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज लास्ट डे है हमारा ले में, और हम लोग यहीं के आसपास प्लेसेस में विजिट करने वाले हैं, तो बस रेडी हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो आज लास्ट डे है हमारा और हम आए हैं ठीक से मॉनेस्ट्री, तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और जस्ट हम यहाँ पहुँचे हैं और बस ये पीछे ये एंट्री गेट एंट्री है, तो यहाँ से टिकट लेके अंदर जाना है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है बट फिलहाल के लिए बंद है।
पे मोनेस्ट्री में चढ़ना बहुत पड़ता है और यहाँ पे चढ़ने से बहुत थकान होती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में बैठ के फिर आगे बढ़ना होता है। तो थोड़ी देर बैठे हैं, फिर चलते हैं आगे, फिर से बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और ऊपर। इस मॉनेस्ट्री में बाकी सारी जगह फिलहाल के लिए बंद हैं, सब समर्स में ही ओपन होंगे। तो अभी अपन कहाँ आए थे? अभी हम चिक्से मॉनेस्ट्री से, अभी इसके बाद हम जाएंगे रेंचो स्कूल, रेंचो स्कूल, थ्री स्कूल जो थ्री डेट्स में आया था। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेंचो, दिस इज रेंचो स्कूल जो कि हमने देखा था थ्री इडियट्स मूवी में। तो चलो हम एक्सप्लोर करते, लेट्स गो। डायलॉग तो आपको याद आ ही गया होगा। अभी फिलहाल के लिए बंद है पूरा, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे ज्यादातर चीजें बंद रहती है। यहाँ पे ये सब देख के पूरी पिक्चर याद आ जाती है। This is the main campus of Rancho School. और ये बहुत बड़ा कैंपस है। तो दोस्तों लद्दाख का टूर बस यहीं तक था। होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीकू साक्षी व्लॉग्स।